चिकन पॉपकॉर्न। पूरी रेसिपी देखने के लिए जुड़ रही है हमारे चैनल पर @ जायका फूड रेसिपी शेफ जाफर। नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं शेफ जाफर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जायका फूड रेसिपी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल रेसिपी, चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि चिकन पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं और लास्ट तक हमारी वीडियो ज़रूर देखें। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। चिकन ब्रेस्ट के मैंने लिए हैं 3 पीस। सबसे पहले मैं उनको हैमर की मदद से थोड़ा छेदेगा, इससे क्या होगा हमारा चिकन सॉफ्ट बनेगा। सबसे ज़रूरी पॉपकॉर्न बनाने के लिए चिकन कटिंग है। चिकन कटिंग अच्छे से होनी चाहिए तभी आपका पॉपकॉर्न अच्छे से बनेगा। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो फैट है वो काट लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको ब्रश बिछाकर ऐसे काटना है। आप सारी ब्रेस्ट को ऐसे काट लीजिए। उसके बाद एक साथ 2-3 लीजिए और ये साइज का आपको काटना है। सारा चिकन ऐसे ही काट लेना है। उसके बाद करेंगे मैरिनेट। चिकन हमने काट लिया है, करेंगे फर्स्ट मैरिनेशन। सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट, डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और डालेंगे बटर मिल्क 3 स्पून। और डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम 1 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। चिकन को हमारा 1 घंटा हो गया है मैरिनेट हुए हुए। अब करेंगे हम सेकंड मैरिनेट, जिसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा बर्तन। सबसे पहले उसमें डालेंगे मैदा। यहाँ पर मैंने 250 से 300 ग्राम मैदा लिया है। डालेंगे थोड़ा चिली पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ओरिगैनो, और डालेंगे पेपरिका पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो लेंगे, डालेंगे मैदे में अच्छे से। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, मैदा पूरा चिपक जाना चाहिए अच्छे से। ऐसे सारे पीस करेंगे हम। चिकन हमने जितना काटा था सारा मैरिनेट कर लिया है। अब इसको करेंगे हम फ्राई, जिसके लिए हमने तेल को गर्म करा है। डालेंगे ऑयल में, चिकन को हमने हाफ डन करके निकाला है। हाफ डन करने से चिकन अच्छे से पक जाता है और क्रिस्पी बनेगा। दोबारा जो हम फ्राई करेंगे तेल को पूरा हीट करके जब डालेंगे तो अच्छा क्रिस्पी हो जाए। निकालेंगे अभी हाफ डन करके। चिकन को हमने हाफ डन करके निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, थोड़ा हवा लगाएंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे तेल गर्म करके। दोबारा फ्राई करने से हमारा क्रिस्पी ज़बरदस्त बनेगा। कलर देखिए आप, लाजवाब। आप ये आसानी से घर पर भी बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी इजी रेसिपी है, ना ज़्यादा सामान चाहिए ना ज़्यादा टाइम चाहिए।
तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। अभी तेल का टेम्परेचर हाई रखना है। डालेंगे चिकन जो हमने ऑफ़न किया था और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। अभी फ्राई करने से क्रिस्पी बने, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। ये देखिए लाजवाब। निकालेंगे एक पेपर के ऊपर जिससे जो ऑयल है वो निकल जाए सारा। चिकन पॉपकॉर्न हमारा रेडी है। एक बार ट्राई कीजिए हमारी रेसिपी से और पसंद आए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए @ जायका फूड रेसिपी शेफ जाफर। Thank you so much.